पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। बड़े भाई से तो हमेशा प्यार रहता है। दोबारा एक ऐसा मौका आया है, ये सिंगू बॉर्डर नहीं है, सिंगू धाम है। ये धाम के कारण हम दोनों भाई फिर गले मिले हैं। कोरोना के अंदर देखा जो ताकत किसान के अंदर थी, किसान के अंदर थी, उस ताकत में इन्हें चाहा, इसको तहस नहस करना चाहा है। ये तहस नहस करने की एक नीति बना के लिए है, गिद्ध नीति है इनकी। अंग्रेजों ने हमारे को छेड़ा तो उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। अब अगर बीजेपी हमारे को छेड़ती है, हमारी आन शान को ललकारती है, तो उसका रिजल्ट आप ये क्रांति के रूप में देख रहे हो। ये ऑपरेशन कलीन किसानों का नहीं, ऑपरेशन कलीन बीजेपी सरकार का है जी। और अभी टाइम है, वक्त है, इस वक्त में अगर मोदी नहीं समझा तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दर्शकों तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़ ते, मैं हरजीत कौर, जिथे तुसी देखा कि लगातार इस किसानी अंदोलन दे विच पंजाब ते हरियाणा दा प्यार देखने नूं मिलिया। तो अज दे स्टेज दी गल करदे आ तां हरियाणा दे वल्लों अज सारी स्टेज आ सांभी गई है। हरियाणा ते पंजाब दे प्यार बारे असीं गलबात करांगे। साडे नाल बजुर्ग बैठे हुए हरियाणा दे, गलबात करांगे इहनां नाल। नमस्कार। नमस्कार जी। आज हमने देखा कि स्टेज भी हरियाणा वालों ने संभाली हुई है, स्पीचें भी हरियाणा वाले करे। ये हरियाणा और पंजाब के प्यार के बारे में क्या कहना चाहिए? हम हरियाणा पंजाब के बारे में कहने से पहले तो मैं अपने आप के बारे में आप लोगों को अवगत कराऊं। जी। मेरा नाम राजकुमार है जी। और हम एक गरीब घर में, किसान घर में पैदा हुए हैं। हरियाणा और पंजाब एक किसानी से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ है। इनका मेन व्यवसाय पशुपालन, पशुपालन और खेती का रहा है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। बड़े भाई से तो हमेशा प्यार रहता है, पर हमारे बड़े भाई ने काफ़ी दिन तक हमारी तरफ ध्यान नहीं किया। सरकारों की कुछ बद नीति रही, उसके कारण से हरियाणा पंजाब को अलग भागों में बांट दिया और उससे तरह तरह की यातनाएँ हमारे बड़े भाई ने भी सहननी पड़ी और हमने भी सहननी पड़ी। आज दोबारा एक ऐसा मौका आया है, ये सिंगू बॉर्डर नहीं है, सिंगू धाम है। ये धाम के कारण हम दोनों भाई फिर गले मिले हैं और एक ताकत का एक मिलन होया है। उस ताकत के कारण एक नई दिशा देश में पैदा हो रही है, एक नई क्रांति देश में पैदा हो रही है। हमारे से पहले हमारा एक छोटा भाई बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही हौसले वाला, कोई भी शब्द इसने ऐसा नहीं छोड़ा जो हरियाणा पंजाब के मेल के कारण कोई अधूरी कोई बात रहेगी। मन तो शब्द ढूंढने में भी जोर पड़ रहे हैं। ये हमारा छोटा भाई इतना होनहार है, नरवाल साहब है, हमारे सोनीपत से लास्ट गांव के रहने वाले हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं। ये कुदरत ने एक नया हौसला दिया है, आपके प्यार के कारण छोटे भाइयों में इतना ताकत और हौसला दे दिया है। क्योंकि पंजाब पंच नदियों से बना हुआ पंजाब और पंच धातुओं से, पंच उससे बने हुए तत्वों से एक इंसान, इंसान में और पंजाब में कोई फर्क नहीं है। इंसान पंजाब की देखम देख एक क्रांति, नई क्रांति, नई सेवा, एक नया सिस्टम आप लोगों ने हमारे को फिर सिखाया है। हम आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। एक इस क्रांति के अंदर एक आशा पैदा करते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में क्रांति आई है, जैसे जनरल डायर ने गलत नीति थोपनी चाहिए थी किसानों के ऊपर, ऐसे ही एक गलत नीति अमित शाह और मोदी ने एक नई नीति हमारे पर डालनी चाहिए है। उनको ये भूल चुके हैं, सोते हुए शेर को जगा दिया है। इस शेर के पंजे से आज तक कोई बचा नहीं है। अंग्रेजों ने भी भागने में मजबूर होया था, जो 200 साल का राज कर रहे थे उनको ये हिंदुस्तान की ज़मीन बहुत छोटी पड़ गई थी। जब ये शेर जागा था, दाड़ मारी थी, तो उनने अंग्रेजों ने यहाँ से उल्टे पैर भागना पड़ा और हमारे बीच से उद्यम सिंह पैदा होया, जो इंग्लैंड में जाकर अपना बदला लिया। तो हम आशा करते हैं इस बीजेपी सरकार को, हमारे को जगा तो दिया पर हमारे को आदमखोर ना बनाए, खोखार ना बनाए,
शांति से हमारे जितने भी मसले हैं वे निपटाए जाएं, शुद्ध बुद्धि इनके अंदर आ जाए। हरियाणा पंजाब आपको कि एक तरफ तो किसान विरोधी बिल पास कर दिए, अब ऐसा लगता है कि ये अभी भी समझा रहे हैं किसानों को कि ये बिल आपके फायदे के लिए, आपको क्या लगता है कि कोरोना की आड़ में बिल बनाए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम किसानों का भला चाहते हैं, तो कैसा भला इन्होंने किसानों के लिए किया? हमारे लिए इतना भला किया इनने, 400 गुना हर वर्ग की इनकम बढ़ी है, हमारी 19% इनकम बढ़ी है, किसानों की 19%, औरों की 400%, और जो पॉलिटिशियन है उनकी तो हजारों गुना इनकम बढ़ी है, उनकी जय बार वे जीतेंगे, जय बार पिल्सन बनेगी, और उनके अंदर जब वे सीट पर बैठते हैं हिंदुस्तान का खजाना उनके लिए, उनकी सेवा के लिए पूरा हमारा जो बजट है उसके 50% में ये राजकर्ता मजे लेते हैं और 50% में पूरा देश चलता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। अच्छा, इनने कोरोना के अंदर देखा है, कोरोना के अंदर देखा जो ताकत किसान के अंदर थी, किसान के अंदर थी, उस ताकत में इनने चाहा इसको तहस नहस करना चाहा है। ये तहस नहस करने की एक नीति बना के लिए है, गिद्ध नीति है इनकी। इनने हमारे अंदर एक ताकत देखी है, कोरोना के अंदर सब दारे चौपट हो गए थे, किसान ने साथ दिया, सरकार का साथ दिया, गरीब का साथ दिया है, और अपने काम को खूब अच्छे ढंग से सरकार के सामने उसी गति में रखा है, जबकि हमारी फैक्ट्रियां, मजदूर, पूंजीवाद सब डाउन हो गए थे, किसानी कोई डाउन नहीं हुई थी। अब ये नया एक कानून लगा के एक हमारे ऊपर ऐसा कर ले आए हैं जैसे जनरल डायर लेकर आया था। ये इनको शुद्ध बुद्धि दे, जब जनरल डायर की नहीं चली तो अमित शाह की और मोदी की क्या चलेगी? मतलब कि कोरोना की आड़ में बिल पास करें, इनको लगा था कि इन किसानों को बिल समझ नहीं आएंगे, लेकिन अब ये बात है कि किसानों को बिल समझ आ गए हैं तो वो विरोध कर रहे हैं, अब इनसे डर रहे हैं। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था। अंग्रेज ये सोचे थे कि ये भोले वाले जमींदार हैं, इनके अंदर कोई सूझबूझ नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर कितना भी बोझा लाद दो ये सरकार के यशमैन रहेंगे। जब अंग्रेजों ने हमारे को छेड़ा तो उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। अब अगर बीजेपी हमारे को छेड़ती है, हमारी आन शान को ललकारती है, तो उसका रिजल्ट आप ये क्रांति के रूप में देख रहे हो। हमारा युवा लड़का है, हमारे से बहुत छोटा है, उसके अंदर कितना जोश है, इससे भी छोटे छोटे बच्चों के अंदर कितना जोश है, इस नए जोश को आप क्या पा रहे हो, क्या सोच रहे हो? इस किसानी आंदोलन की वजह से बदलाव बहुत जाएगा, जो लोग स्वार्थ पुणे में थे वो भी इस किसानी आंदोलन से जुड़ गए। हम ये कहते हैं कि एक नई दिशा मिलेगी देश को, एक इस संबंध ये जो हमारा प्यार का संगम है, हमारा प्यार का मिलन है, इस मिलन में हो सकता है हमारे अंदर एक अभिमन्यु पैदा हो जाए, एक बहुत बड़ा योद्धा पैदा हो जाए, जो आप अपने आप को योद्धा मान रहे हैं शायद उसके सामने टिक ना पाए। एक नई क्रांति किस तरीके की आएगी, क्या आएगा, एक नई दिशा हमने महसूस हो रही, छोटे छोटे बच्चों में क्रांति है, हमारी माता और बहनों में क्रांति है, इस क्रांति में क्या पैदा होगा ये मोदी सरकार ने सोच लेना चाहिए, अगर इसको ज़्यादा ना छेड़कर इस मसले को सुलझाए और इसको लंबा ना करें। आप देख सकते हैं कि लगातार किसान तो पीसफुली तरीके से बैठे हुए हैं, सरकार को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे, लेकिन ऑपरेशन क्लीन की बात की जा रही है कि कोरोना यहाँ पे फैल रहा है, ऑपरेशन क्लीन कर दिया जाए, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, ये तो ऑपरेशन की सरकार को जरूरत है, ना कि किसान को। किसान तो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो तो हमेशा एक नई दिशा देता है, भंडार भरता है, बॉर्डर के ऊपर अपने बच्चों को पैदा करके बॉर्डर पे भेजता है, देश की रक्षा कराता है। इसको बदलाव की ज़रूरत नहीं है, इसको तो मान सम्मान की ज़रूरत है। देश को बहुत कुछ इस जमींदार ने दिया है, इस किसानों ने दिया है, इसकी आन शान को ना छेड़कर इसको इस जो मसला है, 5 महीने से मसला चल रहा है, हमारे बीच में हमारे सरदार भाई हैं, वे अपने लड़के की चौथा कर हमारे बीच में फिर आए हैं, ये देखो कितनी बड़ी क्रांति है, कितना बड़ा जोश है। इस जोश को देखते हुए शुद्ध बुद्धि दे हमारे राजकर्ताओं को और इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाए, ना कि इसमें जद में जाए। ये हमारी आपके माध्यम से अपील है सरकार को कि इस मसले को शांति ढंग से सुलझाए।
आज स्टेज भी किसानों को दी, हरियाणा के किसानों को दी जा रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ से आप सबको स्पीच दे रहे हैं? ऐसा है जी, ये स्टेज ठीक है तो किसानों की, चाहे वो पंजाब का है या हरियाणा का है, चाहे किसी भी स्टेट का है किसानों की वो, हाँ जी। लेकिन ये एक बड़प्पन है पंजाब वाले भाइयों का कि उन्होंने स्पेशल हरियाणा को मतलब इनवाइट करके उनका एक हौसला बढ़ाया है, अच्छी बात है। और मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का एक सिपाही हूँ। 26 नवंबर को पहली बार जब यहाँ सरकार ने नाकेबंदी करके आश्रू गैस के गोले, प्लास्टिक की गोलियाँ और पानी की बौछावरें की, तब हम यहीं पर डटे हुए थे। और उसके बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग यहाँ झुंड के झुंड इकट्ठा होने लगे और आज ये शकल बदल दी। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि नेशनल हाईवे जो एक दिल है दिल्ली का, जिसके ऊपर पूरा यहाँ से और पाकिस्तान तक लाहौर रोड इसको बोलते थे, उसको जाम करके अपना गांव बसा लिया पूरा 10-12 किलोमीटर में। ये किसी के सपने में नहीं सोचा था। ये देन है इस सिस्टम की, इस पूंजीवादी सिस्टम की। इसी की वजह से लोगों ने ये रास्ता पकड़ा और बगैर क्रांति के, बगैर ताकत के इस सिस्टम को उखाड़ा नहीं जा सकता। लोगों ने समझ लिया, इनकी पूरी एक एक बात को समझ लिया। और जिस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आज भी बना रहे हैं, कल ही मोदी ने वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी बड़ी रैली की, किराए के लोगों को ले जाकर वहाँ भीड़ जुटाई, और यहाँ हरियाणा के अंदर कोरोना का बहाना लेके कि ऑपरेशन क्लीन करने की जो बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये ऑपरेशन क्लीन किसानों का नहीं, ऑपरेशन क्लीन बीजेपी सरकार का है जी। हम ये बात कह देना चाहते हैं मोदी को। और अभी टाइम है, वक्त है, इस वक्त में अगर मोदी नहीं समझा तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो साडे नाल इक होर ताऊ मौजूद है जिहड़े कि अज इस किसानी अंदोलन जे हरियाणा दी स्टेज आ ओह लगी हुई है। नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से नमस्कार। और मैं इस काले कानून के, उसमें तीनों काले कानून बहुत बेकार हैं, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं दिया इनने, और इसमें किसानों के लिए इन्हें ना तो इनकी मजदूरी जोड़ी है, ना इनका कोई खर्चा जोड़ा है, ना फसल का खर्चा जोड़ा है, MSP तो दिया ही नहीं इन्हें कुछ भी। और ये सभी FCI वगैरह सभी जो खरीददार हैं गेहूँ के, उसको बंद करने जा रहे हैं जी। और अब हरियाणा, हम इस आंदोलन को जैसे कह रहे हैं कि भाई हम वो करेंगे, इसको उठाएंगे, ये करेंगे, हरियाणा सबसे पहले होगा, पंजाब बाद में होगा, हरियाणा वाले पहले छाती रहेंगे, पीछे पंजाब होगा। हम पहले खट्टर को तो हमने जाद नहीं उतरने दिया, इसको यहाँ कैसे आने देंगे? इनमें हिम्मत हो तो उठा के देखो। मैं हम एक एक आदमी पूरे लठ डंडे ले खड़े हैं, कोई भी आदमी जो पुलिस है, जवान है, वो हमारे भाई हैं सब। मोदी खट्टर आओ देखो, उठाओ हमारे को, और जब देखेंगे ये बैठ के हमारे काले कानून को पास करो, उनका हमारे से बातचीत करो। इन्हें बातचीत नहीं की वैसे, कोरोना में उसने पास बिल पास कर दिए और इन्होंने बात नहीं करी किसी से भी, एक भाई कैसे कानून बनेगा तुम्हारे, किसी खेती करने वाले हम हैं, जो फसल उगाएगा कानून वही बनाएगा जी। देश में ऐसा कानून होना चाहिए। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, तुसीं देखिया कि हुण हरियाणा दे किसान भी अज मंच जिहड़ा उह संभालिया होया, तां किसानां हरियाणा दे किसानां वल्लों एक ही गल कही जा रही है कि पंजाब बाद विच है, पहला हरियाणा अग्गे ला के इस ऑपरेशन क्लीन दा सामना करूगा। जे सरकार ऑपरेशन क्लीन करना चाहुंदी तां पहला हरियाणा वल ना निपटना होगा। सो बने रहिओ पंजाब न्यूज़ नाल।